हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल का मेन उद्देश्य क्वालिटी कॉमर्स कंटेंट को आसान भाषा में हर बच्चों तक पहुंचाना है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना न भूलें और कॉमर्स से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का टॉपिक है ट्रेड पेबल और क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। मतलब कि अगर हम किसी से उधार माल खरीदे हैं, क्रेडिट पे गुड्स हमने परचेस किया है, तो उसका हमें पेमेंट करना होता है। तो ये रेशियो यही बताता है कि उसको हम कितने टाइम में पेमेंट करेंगे या कितने दिनों में पेमेंट करेंगे। चलिए देखते हैं, एक नजर डालते हैं इसकी मीनिंग पे। दिस रेशियो इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन क्रेडिट परचेस एंड एवरेज ट्रेड पेबल ड्यूरिंग द ईयर। क्रेडिट परचेस मतलब उधार खरीद और उसका रिलेशन एवरेज ट्रेड पेबल से निकाला जाता है। ट्रेड पेबल जो होता है उसमें बिल्स पेबल एंड क्रेडिटर दोनों को भी इंक्लूड किया जाता है। हिंदी में देख लेते हैं एक बार। यह अनुपात शुद्ध उधार क्रय एवं व्यापारिक देनदारियों के मध्य संबंध प्रदर्शित करता है। व्यापारिक देयताओं की राशि में लेनदार तथा देय बिल शामिल होते हैं। मतलब ये कि जो ट्रेड पेबल है उसमें क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल दोनों ही इंक्लूड होते हैं। एक नजर डालते हैं इसके फार्मूले पे हम। तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो या इसको कहीं कहीं क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो भी कहा जाता है। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। यहाँ पे एवरेज ट्रेड पेबल में हम दोनों चीज लेंगे अगर क्वेश्चन में होगा तो, क्रेडिटर और बिल्स पेबल को। अब यहाँ पे देखिए, एवरेज ट्रेड पेबल निकालने के लिए क्या करेंगे हम, एवरेज क्रेडिटर प्लस एवरेज बिल्स पेबल। अब यहाँ एवरेज क्रेडिटर एवरेज बिल्स पेबल दोनों को इंक्लूड किया गया। इसका यह मतलब हुआ कि अगर क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ही इंफॉर्मेशन दे रखी है तो ओपनिंग और क्लोजिंग को ऐड करके और टू से डिवाइड करेंगे तो एवरेज आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए क्वेश्चन में दिया है क्रेडिटर भी है बिल्स पेबल भी है, दोनों का ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस है, तो आप निकाल लेंगे सबसे पहले एवरेज क्रेडिटर। एवरेज क्रेडिटर इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय टू। इसके बाद अगर बिल्स पेबल का है तो उसको भी सीधे निकाल लेंगे, फिर दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो हमारा एवरेज ट्रेड पेबल हो जाएगा। हाँ, ये तो था ट्रेड पेबल रेशियो फाइंड करने का फॉर्मूला। ये हमेशा टाइम में आएगा, टाइम का मतलब चार गुना पांच गुना इस तरह से आएगा, मतलब फोर टाइम फिफ्थ टाइम, मतलब कितने टाइम में हम पैसा का पेमेंट कर देंगे। हाँ, अब कितने दिनों में कर देंगे इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा एवरेज पेमेंट पीरियड, जिसका फॉर्मूला होता है डेज इन ईयर वीक एंड मंथ। अगर आपको मंथ में चाहिए तो 12 बाई ट्रेड पेबल रेशियो हो जाएगा, अगर वीक में चाहिए तो 52 बाई ट्रेड पेबल रेशियो हो जाएगा, अगर दिन में चाहिए डेज में चाहिए तो 365 डिवाइड बाई ट्रेड पेबल रेशियो। ट्रेड पेबल रेशियो ही हमको इस फॉर्मूले से मिल जाएगा। अगर बाय द वे क्वेश्चन में ये निकालने के लिए नहीं दिया गया है तो आप एवरेज पेमेंट फाइंड करने के लिए आप इसी फार्मूले को उल्टा कर दीजिए और फिर उसके अकॉर्डिंग 365 या 52 या 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे देखिए, एवरेज पेमेंट पीरियड रेशियो इज इक्वल टू एवरेज ट्रेड पेबल डिवाइड बाय नेट क्रेडिट परचेस इनटू 365 इनटू 12 या इनटू 52। जो क्वेश्चन में पूछेगा मंथ में डेज में या फिर वीक में, उसके अकॉर्डिंग हम उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई हमारे साथ जारी रखिए। धन्यवाद।